वो अपनी मौत का नाप ले रहे थे और उन्हें नहीं पता चल पाया, और पुलिस प्रशासन ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अगर सोचो वो लोग आज उन लोगों को ना पकड़ते तो वो आराम से घूमते, पता नहीं हमारे देश के अंदर कितने और ऐसे लोग खड़े होते। हेलो दोस्तों, मैं आपका विनोद। आप लोगों ने देखा ही है कि उदयपुर के अंदर ये बहुत बड़ा कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है। जो मुस्लिम जो मौलाना है वो उन्होंने हमारे कन्हैया भैया की हत्या कर दी है, सरेआम हत्या कर दिया। मार्केट के अंदर अपनी दुकान के अंदर जाके हत्या कर दिया है बेचारे कन्हैया लाल। 6 दिन बाद अपनी रोजी पे आए थे और पुलिस को भी उन्होंने बोला था कि मुझे मेरी जान का खतरा है, पर उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और बेचारा हमारा कन्हैया भैया अपनी दुकान के अंदर गया था और उन्हें पता नहीं था कि कोई उनकी रेकी कर रहा है। वो अपनी मौत का नाप ले रहे थे और उन्हें नहीं पता चल पाया, और पुलिस प्रशासन ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो अपनी मौत का नाप ले रहे थे और उन्हें नहीं पता चल पाया और पुलिस प्रशासन ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो लोग उदयपुर से होकर अपने कच्चे कच्चे रास्ते बाहर जा रहे थे और बाइक से स्पीड से बाहर जा रहे थे, और उन्हें पता था कि उनके आका थे जो उन्होंने उनको बोला था कि कन्हैया को मार दो और कन्हैया को मार दो। उसके बाद उनको बोला गया था कि आप कैसे भी करके अजमेर में आ जाओ, हम आपको बाहर विदेश में भेज देंगे और आपको कुछ नहीं होगा। और वो लोग जा रहे थे, उसी समय प्रहलाद और शक्ति को पता चला कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, और प्रहलाद और शक्ति ने उसी समय उनका पीछा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद और शक्ति को धमकी भी दी कि हम आपको जान से मार देंगे, उसके बावजूद भी वो लोग डटे नहीं और लगातार उनका सामना करते रहे। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन लोगों को पकड़ भी लेंगे तो कोई ना कोई हमारी हेल्प कर देगा, और आखिरकार उन लोगों ने, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, उन्होंने उनको पकड़ लिया था और वहाँ पे जनता भी आ गई थी और उनकी अच्छी खासी हेल्प भी करी थी। उन दो भाइयों के जज्बे के कारण एक कातिल दो कातिल है जो पकड़े गए, और अगर वो लोग यहाँ से भाग जाते तो शायद एक कन्हैया भैया को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जीते। आज उन दोनों लोगों को पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया है और लोग जमकर उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने उन्हें बहुत मारा था, हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। मैं उन दो भाइयों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन दोनों को पकड़ा। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, ऐसे कातिलों को पकड़वाने के लिए हम सबको एक तत्पर होना पड़ेगा और एक साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर सोचो वो लोग आज उन लोगों को ना पकड़ते तो वो आराम से घूमते, पता नहीं हमारे देश के अंदर कितने और ऐसे लोग खड़े होते जो हमारे हिंदू भाइयों का सरेआम कत्ल करते और सरेआम खुले आम फिरते। मैं उन दो भाइयों को सैल्यूट करना चाहूँगा और आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आप भी आगे आइए और इस तरह हिंदू संगठन का समर्थन करिए और इन लोगों को सजा दिलवाने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद।